हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको एमएस वर्ड या अपने पीसी में हिंदी टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है या हिंदी टाइप नहीं कर पा रहे हैं या टाइप करने में परेशानी हो रही है और आप सोच रहे हैं कि हिंदी टाइप करेंगे अपने पीसी में, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका जिससे आप अपने पीसी में आसानी से हिंदी टाइप कर सकते हैं या वर्ड में आप आसानी से हिंदी लिख सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ विनय में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल के सर्च बार में जा करके वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डाउनलोड MS Indic लैंग्वेज टूल को टाइप करके उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ओपन करने के बाद वहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, तो जिसमें से तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट में दिख रहा है भाषा इंडिया डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और उसको ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का आप खुल जाएगा, पेज खुलेगा। वहां से हम लोग थर्ड में जो दिया हुआ है हिंदी डाउनलोड कर लेते हैं, उसे हम लोग जो हिंदी लैंग्वेज है हिंदी लिखा उसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और डाउनलोड करने के बाद ये साइड में आ जाएगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर अगर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड करके। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो रहा है। जो प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, बस वही प्रोसेस को ओके करते जाएंगे, फिर लास्ट में इंस्टॉल होगा तो उसे क्लोज करके उसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर से अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग सर्च बार में जो रहता है अपना रन में, वहाँ पे जा करके लिखेंगे वर्ड। वर्ड में लिखने के बाद उसको एमएस ऑफिस वर्ड 2007 को ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जाके टाइप करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो इंग्लिश में ही लिखाएगा, जैसे टाइप करते हैं विनय। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद विनय। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हिंदी में इसे टाइप करते हैं। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट क्लिक करते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट क्लिक करने के बाद हम लोग का लैंग्वेज वो हिंदी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वो हिंदी में अब बदल चुका है। अब हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो फ्रेंड्स लिखते हैं मेरा नाम, मेरा नाम विनय है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो आपको लिखना है उस सटीक है उसको आप लिख सकते हैं। बाद में ये ऑटोमेटिक ज़्यादा बार टाइप होने के बाद ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है, और स्पेस देने के बाद ये ऑटोमेटिक लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ईजी तरीका है हिंदी लिखने का। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर से जब इंग्लिश में टाइप करना होगा तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा करके फिर से हम लोग इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।